आप लोग को अच्छा लगेगा। और आप जानते हैं कि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक दो क्वेश्चन होते हैं। मेरा दावा है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं अगर हम देखें तो उसके आधार पर मैंने ये चित्र बना के आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। देखिए, पृथ्वी जो है, सामान्यतः पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे कहा जाता है भूपर्पटी या क्रस्ट। अंदर जो चीज है उसके उसे कहा जाता है मेंटल। और जो सबसे अंदर है उसे कहा जाता है कोर। कोर को हम अंतरतम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्रस्ट है वास्तव में यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है आपका क्रस्ट, ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसीलिए इसे शियाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपका इसके अंदर की जो परत है ये, इसे कहा जाता है मेंटल, ठीक है। और मेंटल जो है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। इसके अंदर जो तीसरी परत है जिसे कहा जाता है निफे, निफे जो है निकिल और फेरस से मिल के बना है। निकिल फेरस अर्थात लोहा होता है, तो निकिल और फेरस यहाँ मौजूद है, इसे निफे भी कहा जाता है, हालांकि इसे कोर या अंतरतम भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा सा इनके जो नामकरण है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे श्वेस महोदय। श्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा और इसे नाम दिया सल, सीमा और निफे, ठीक है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल जो है ऊपरी परत, सीमा मेंटल को, जबकि निफे जो अंदर वाली परत थी जिसे अंतरतम कहा गया उसे कहा गया। इन्होंने ये जो नामकरण किया इसमें पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों की अधिकता कारण उसी के आधार पर तत्वों के नाम पर इसे कर दिया, ठीक है। जबकि दूसरा जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, इसका नामकरण वांडर ग्राट ने किया था, ठीक है, वांडर ग्राट ने इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा, ठीक है। अब देखिए, जरा से हम बात करें अगर इसके आयतन की, तो जो क्रस्ट है इसका आयतन, ये क्रस्ट का आयतन अगर देखें तो लगभग 0.5% है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा है। वही मेंटल का जो आयतन है वो लगभग 83%, मेंटल जो है ये आपका 83% है। वही जो कोर है इसका लगभग 16% है, ठीक है, 16.5% ये कोर का आयतन है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक द्रव्यमान होता है वो मेंटल का होता है, ठीक है, मेंटल का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। उसके बाद आता है कोर का नंबर। मेंटल का द्रव्यमान जहां 68% है, वही जो कोर है उसका लगभग 32% है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो है, इसके अलावा जो पृथ्वी के अंदर की गहराई है उसकी गहराई के आधार पर पृथ्वी के तीन भागों में बांटा गया। देखिए, जैसे क्या है कि जो 100 किलोमीटर की गहराई तक का क्षेत्र है उसे अस्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। 100 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है
उसे पायरोमीटर कहते हैं, पायरोस्फीयर कहते हैं, पायरोस्फीयर। जबकि देखिए पायरोमीटर तो जो है ज्वालामुखी तापमान को नापते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो पायरोस्फीयर यहाँ पर, और उसके नीचे जो है बैरिस्फीयर, ठीक है। बैरिस्फीयर जो है पायरोस्फीयर के नीचे पृथ्वी के गर्भ तक, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर और लगभग 6400 किलोमीटर इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था, तो एक बार फिर से देखिए, तो स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर, ये तीन और तरह की परतें इसमें पाई जाती है। नामकरण वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर किया। तो यहां पर देखा हमने तीन तरह की चीजें, ठीक है। एक देखा आपने श्वेस महोदय का, इन्होंने सियाल, सीमा और निफे, वांडरग्राट ने क्रस्ट, मेंटल और कोर, जबकि ये तीन परत किसी और वैज्ञानिक ने किया है, स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर हमने इसको पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र को अध्ययन करने के लिए इसका एक टुकड़ा निकाल लिया है, जरा देखिएगा उसको। देखिए जो ऊपरी परत थी जिसे हम लोग क्रस्ट कहते थे, इसे भूपरपट्टी भी कहा गया और हम जानते हैं कि इसे सियाल भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ, तो जो भूपरपट्टी है इसकी जो मोटाई मानी गई है ये यहाँ से यहाँ तक लगभग 35 किलोमीटर, कहीं 33 किलोमीटर मिलता है, तो आप घबराए नहीं, ठीक है। तो ये जो मोटाई दिख रही है इसे कहा जाता है क्रस्ट या भूपरपट्टी या सियाल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो 35 किलोमीटर के नीचे, 35 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर गहराई तक का जो क्षेत्र है यहां तक, इसे कहा जाता है मेंटल, ठीक है, या प्रवार, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रवार के 2900 किलोमीटर के नीचे, तो आप देखेंगे कि 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर की गहराई तक, जिसको हमने 3771 भी कह सकते हैं, यहां तक का जो क्षेत्र का विस्तार है उसे कहा जाता है कोट या अंतरतम, ठीक है। ये पृथ्वी का कोर भी कहलाता है, ठीक है, कोर। अब हम इसको देखेंगे दूसरे तरीके से, जरा देखिएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि अगर हम पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से उसके गर्भ में जाएं, तो हम देखेंगे ध्यान से, तो देखते हैं कि ये इधर से यहाँ देखिए, तो ताप जो है गहराई में जाने पर बढ़ रहा है, ताप जो है देखिए बढ़ रहा है। अगर हम इस तरह से इसको देखें तो यहाँ से इधर आने में पृथ्वी का ताप बढ़ता है, ठीक है। देखिए जो पृथ्वी का ताप होता है वैसे नॉर्मली 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने में आपको 32 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। अर्थात 32 मीटर गहराई में जाने पर पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए वैसे ही आप देखिए फिर से, तो गहराई में जाने पर, पृथ्वी गहराई में जाने पर दबाव भी बढ़ता है, ठीक है, दबाव भी बढ़ेगा और पृथ्वी गहराई में जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखिए अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो जो क्रस्ट है उसका घनत्व जो है 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। वहीं देखिए इसका जो क्रस्ट है इसका ताप घनत्व जो है 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखिए वैसे अगर नीचे चले तो जो मेंटल है जिसे हम प्रवार भी कहते हैं, इसका जो घनत्व होता है वो 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और जो अंतरतम है जिसे हम कोर भी कह सकते हैं, इसका घनत्व तो सबसे अधिक 5 से 13, समझिएगा, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अर्थात जो अंतरतम है इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, ठीक है, इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है।
देखिए पृथ्वी की जहां तक त्रिज्या की बात है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है, हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, यहां से इसके गर्भ जो क्षेत्र है, इसे ही त्रिज्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है, हमने बताया अभी कि 6400 किलोमीटर या 6371 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए जो भूपटी होती है, इसको जो है दो भागों में बांटा जाता है। देखिए दो भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो ये जो है लगभग यहाँ पर कहीं 18 किलोमीटर का गहराई मिलता है, कहीं कहीं 11 भी मिलता है, तो इसे टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो जो भूपटी है इसे ऊपरी और नीचे, वहीं जो मेंटल है, मेंटल को ऊपरी और निचले प्रवाह में बांटा जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो क्रस्ट है भूपटी, उसे ऊपरी भूपटी और निचले भूपटी में बांटा जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है कोनराड। ठीक है, कोनराड। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसका नाम है कोनराड। ठीक है, यह हम भूपटी को दो भागों में बांटती है, ऊपरी और निचली भूपटी में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रवार की, तो प्रवार में भी दो परत पाई जाती है, एक कहा जाता है ऊपरी प्रवार और दूसरे कहा जाता है निचला प्रवार। ठीक है, यहां पर भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, और एक डिसकंटिन्यूटी यहां पाई जाती है, वो होती है जो भूपटी को प्रवार से अलग करती है। ठीक है, फिर अंतरतम को देखें तो अंतरतम को भी दो भागों में बांटा गया है, और यहां जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है वो 5150 किलोमीटर गहराई में पाई जाती है, और ये जो डिस्कंटिन्यूटी यहां पे होती है उसे कहा जाता है लेहमैन। ठीक है, लेहमैन, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी जो है अंतरतम को दो भागों में बांटती है, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। ठीक है, जबकि 2900 किलोमीटर गहराई में एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है जिसका नाम है गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग जो है ये जो है प्रवार को अंतरतम से अलग करती है। ठीक है, जबकि जो प्रवार में डिस्कंटिन्यूटी पाई गई थी, यहां पर इसे कहा गया था है रैपची। ठीक है, रैपची डिस्कंटिन्यूटी प्रवार को ऊपरी और निचले प्रवार में बांटती है, जबकि 35 किलोमीटर गहराई में मोहो नामक असंबद्धता डिस्कंटिन्यूटी को असंबद्धता भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पाई जाती है, तो यहां पाई जाती है मोहू। ठीक है, यहां कोनराड, यहां मोहू। ठीक है, अभी हम अगले पेज पे फिर देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें, देखिए हमने सभी जो है डिसकंटिन्यूटी को यहां पर दिखाया है। अगर हम पृथ्वी गहराई में चलते हैं तो देखिए इधर से हमने पृथ्वी गहराई को लिया है। ठीक है, स्पेस पे यहां अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए पृथ्वी गहराई में जाने पर जो जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो सारी चीजें यहां दिख रही हैं। तो पहले कोनराड पाई जाती है, उसके बाद मोहो, फिर रैपची, फिर गुटेनबर्ग और अंत में लेहमैन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये जो है असंबद्धता यहां पर पाई जाती है। अब आगे देखिए अगर हम अगर नीचे बढ़ते हैं तो देखिए हमने इस स्केल पे यहाँ पे तापमान को रखा है। तो इधर देखते हैं तो गहराई में जाने पर देखिए तापमान भी बढ़ रहा है। ठीक है, गहराई में जाने पर तापमान भी बढ़ता है, और हम ये भी जानते हैं कि गहराई में जाने पर दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये भी देखा था हमने कि गहराई में जाने पर घनत्व भी बढ़ रहा था। ठीक है, देखिए होता क्या है, वर्तमान में अगर हम देखें तो ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं,
और ये जो तापमान है पृथ्वी के अंदर गहराई में बढ़ रहा है, उस तापमान को वैज्ञानिक जो है एक नवकरणीय ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि भारत में अगर देखें तो जो पृथ्वी के अंदर से एनर्जी निकलती है जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, इस एनर्जी का जो उपयोग किया जा रहा है, जो निकाली जा रही है, वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरणपुर उसे कहते हैं, मणिकरण। तो अगर हम पृथ्वी गहराई में जाते हैं देखते हैं तो हमारे लिए भूतापीय ऊर्जा मौजूद है। लेकिन ये भूतापीय ऊर्जा जो है अभी तक, चूंकि पृथ्वी गहराई में अभी जाना संभव हुआ नहीं है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम जो भोरपट्टी है इसको देखें 35 किलोमीटर तक जो मोटाई है, इसमें अगर देखें तो हमको पता चलेगा कि पृथ्वी गहराई में अगर हम जा रहे हैं तो तापमान यहीं पे काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए 100 किलोमीटर गहराई तक अगर हम जा रहे हैं, तापमान लगभग 800 डिग्री के आसपास हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तापमान लगभग 800 डिग्री तक हो जा रहा है यहीं पे। ठीक है, अब देखिए जब यहीं पे तापमान 800 डिग्री हो जा रहा है तो इतनी अगर एनर्जी हम निकाल सकें तो ये हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन यह जो है प्रकृति जो है अभी इसका जो है एक तरह से आदेश नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब इस एनर्जी को निकाला कैसे जाए? देखिए ये होता क्या है कि हम जानते हैं अगर हम पृथ्वी के और निचले चलें तो हम जानते हैं कि जो 100 किलोमीटर की मोटाई होती है, यहाँ से ये 100 किलोमीटर की मोटाई, इसे अस्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अस्थल मंडल, और इसके अस्थल मंडल के नीचे पाया जाता है स्थेनोस्फीयर, और जो स्थेनोस्फीयर होता है यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जिनका तापमान बहुत अधिक होता है, कहते हैं यहाँ पे यूरेनियम वगैरह मिलता है। अब होता क्या है, काफ़ी नीचे दबे हुए, अगर आज मानव सोचता है कि अगर यहाँ पे किसी तरीके से अगर इधर पहुँच बनाई जाए तो यहाँ के तापमान को अगर यूज़ किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात और सोचना होगा कि यही वो क्षेत्र है जहाँ पे जो जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े थे, देखे थे आप कि प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर जो प्लेटें अंदर जा रही थी, तो प्लेटें जब अंदर जाने के बाद यहाँ मैग्मा बन रहा था, ये मैग्मा यहीं बनता था। ठीक है, यही वो क्षेत्र होता था जहाँ चीज़ें मेल्ट हो जाती थी पृथ्वी की प्लेटें, और ये मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलता था ज्वालामुखी के रूप में। अब देखिए अगर इस एनर्जी को बाहर निकाला जाए तो वो एनर्जी काम में आ सकती है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उस पर मानव का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अगर आदमी ये भी सोचे, देखिए ध्यान से, कि अगर कोई सिलेंड्रिकल रूप से यहाँ पे पानी डाला जाए तो पानी भाप बनकर ऊपर निकलेगा, और ये भाप हम एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यहीं पे मैग्मा भी है, अगर हम पाइप से पानी यहाँ डाल भी सकें तो उसी से मैग्मा बाहर कभी आ सकता है, तो जो कि बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए ये जो है सोचने वाली बात है। ठीक है, हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। देखिए तो अब हम बात करते हैं जरा सा फिर से पृथ्वी के आंतरिक परतों की। तो जरा देखिए, जो पहली परत है ये भूपरपटी, जिसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर मानी जाती है, यहाँ पे अगर देखें तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। इसके अंदर भूपरपटी में गहराई में अगर हम जाते हैं तो यहाँ तापमान में वृद्धि होती है, घनत्व में भी वृद्धि हो रही है। इसका घनत्व तो हमने देखा था 2.7 से 3 ग्राम ठीक है पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो असंबद्धता पाई जाती थी, तो देखिएगा ध्यान से चित्र को, तो भोरपट्टी को दो भागों में जो बांटती है असंबद्धता, उसका नाम है कोनराड। ठीक है, देखिए जो असंबद्धताएं हैं
इनको जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसी वैज्ञानिक के नाम पर इनका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोनराड नामक असंबद्धता पाई जाती है। वहीं क्रस्ट के नीचे यानी कि भूपरपट्टी के नीचे हम जानते हैं कि जो प्रवार है, प्रवार वहां पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है। जो ध्यान दीजिएगा, जो असंबद्धता होती है, अब देखिए इसके ऊपर जो है ये आपका भूपरपट्टी है और इसके नीचे जो है पाया जाता है प्रवार। अब यहां पर भी कुछ असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है, उसका नाम है मोह। ठीक है, मोह। तो ये जो असंबद्धताएं हैं इनको भी ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करें, अगर देखिए तो प्रवार में बात करें, अगर प्रवार तो प्रवार की प्रवार का जो विस्तार है वैसे देखा जाए तो 35 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र है। ठीक है, 35 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र जो होता है उसे प्रवार कहा जाता है। अब देखिए प्रवार में जो तत्व तो है जिसकी अधिकता पाई जाती है वो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम 700 किलोमीटर गहराई में देखिए रैपची नामक असंबद्धता इसे दो भागों में बांट रही है। इसे ऊपर कहते हैं ऊपरी प्रवार और नीचे वाले कहेंगे निचला प्रवार। ठीक है, चूंकि यहीं पे एस्थेनोस्फीयर भी पाया जा रहा है जहां पे पृथ्वी के इस सतह का तापमान काफी बढ़ जाता है, तो एस्थेनोस्फीयर जो है ये अत्यधिक तापमान वाला क्षेत्र है, इसे दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के तापमान में गहराई में जाने पर 32 मीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 32 मीटर जाएंगे अगर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली जो परत है उसका नाम है अंतरतम। ठीक है, अंतरतम या कोर। ठीक है, इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर से लेकर, ये देखिए 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी गर्भ यानी कि 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब देखिए जो अंतरतम है इसे एक लेहमैन नामक असंबद्धता दो भागों में बांट रही है। इसे कहा गया बाह्य अंतरतम, इसे कहा गया आंतरिक अंतरतम। देखिए ये जो अंतरतम है इसका तापमान भी बहुत ज्यादा है और यह मुख्यतः निकिल और फेरस से मिलकर बना है। ठीक है, निकिल की उपलब्धता होने कारण यहां पर निकिल और फेरस की यहां पर वैद्युत चुंबकत्व, ठीक है, ऊर्जा पाई जाती है। यहां पर वैद्युत चुंबकत्व ऊर्जा पाई जाती है इस अंतरतम में। ठीक है, अब देखिए यहां पे विद्युत चुंबकत्व ऊर्जा मैंने बताई आपको पाई जाती है। अब देखिए इस क्षेत्र का जो घनत्व होता है, अंतरतम का घनत्व ये सबसे अधिक होता है, लगभग 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो सबसे घनत्व कहां अधिक पाया जाता है वो होता है अंतरतम में। ठीक है, यह उसे तापमान यहां पर अधिक है, इस कारण से माना जा सकता है कि यह तो एकदम इसकी जो अवस्था है वो काफी गलित अवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पृथ्वी गहराई में जाने पर हम देखे थे तापमान के साथ साथ यहां पर दबाव भी बढ़ रहा था। ठीक है, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, दबाव, इस कारण से यहां पे वस्तुएं जो होती हैं अपने अवस्था को बनाए रखती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने देखा कि ये जो है पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है और दाब बढ़ रहा है। देखिए ये सारी
जो जानकारी हमको उपलब्ध हो पा रही है ये वास्तव में जो भूकंपी तरंगे होती हैं उनके माध्यम से ही जो है हमको जानकारी उपलब्ध हो पा रही है। ठीक है, अगर हम ज्वालामुखी को लें तो देखिए ज्वालामुखी जो होता है वास्तव में उसका मैग्मा तो यहीं से बस एस्ट्रोनोस्फीयर के नज़दीक से निकल के आ जाता है, इससे संपूर्ण जो है पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमको नहीं उपलब्ध हो पाती है, लेकिन जो भूकंपी तरंगें होती हैं उनके माध्यम से हमको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जरा सा तो भूकंपी लहरें जो होती हैं वास्तव में ये तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखिएगा तीन प्रकार की भूकंपी लहरें होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है सतही। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और इन्हें सरफेस लेयर कहते हैं या लॉन्ग वेव भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सरफेस या लॉन्ग वेव। अब देखिए होता क्या है, जो प्राइमरी तरंग होती है प्राइमरी ये जो है ठोस और द्रव दोनों में चलती है। ठीक है, प्राइमरी ठोस और द्रव दोनों में चलती है, जबकि सेकेंडरी जो होती है ये जो है सिर्फ ठोस में चलती है, द्रव में नहीं चलती। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, और जो यल तरंगें होती हैं ये पृथ्वी के अंदर नहीं जाती, सिर्फ सतह पे चलती हैं, इसलिए इन्हें सतही तरंग कहा जाता है। जब हमने देखा, और देखिए एक चीज़ और जानते हैं कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं, और जहाँ सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी उपलब्ध हुई, उसमें देखा गया कि जो पी तरंगें होती हैं वो देखिए वो इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी के गर्भ में गई। ठीक है, इस तरह से इधर से ऐसे गई, इधर से ऐसे, इस तरह से जा रही थी। वहीं पे जो सतही तरंग थी अगर उसको देखें हम तो ये जो है इस तरह से जाके इस तरह से चली गई, सॉरी जो सेकेंडरी तरंग थी वो इस तरह से हरे कलर में इस तरह चली गई, वो पृथ्वी के जो ये वाला सेक्शन था अंतरतम वाला कोर वाला वहाँ पे नहीं गई। इस आधार पे अनुमान लगाया गया कि जो है ये जो अंतरतम है ये जो है द्रव अवस्था में है, क्योंकि द्रव अवस्था में जो सेकेंडरी तरंग होती हैं वो नहीं चलती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भूकंपीय तरंगों के आधार पता चला कि पृथ्वी की जो सतहें हैं वो किस रूप में हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।